सुन गाड़ी आ रही भाई, तेरे को लगी तो नहीं? आई कांट बिलीव माई आईज, पाल में मनांग मनांग के पास सुरंग, इम्पॉसिबल। अच्छा कुंदन भाई कोलकाता से? ओ भाई सच में बहुत जोर से लगी है, रोक दे अभी, रुक जा, छोड़ दे उसको, पहले मेरे को निकलने दे। जो छोटे बच्चों, जो बेबी भाई, ऐसे नहीं लग रहा रास्ता स्वर्ग की तरफ जा रहा है। ब्यूटीफुल पीपल, इंट्रो आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट लेट मी टेल यू, वो घड़ी आ चुकी है जिसका था हम सबको बेसब्री से इंतजार। आज हम लोग बेसी शहर से जा रहे हैं मनांग, मतलब 80-90 किलोमीटर है, बट बहुत डिफिकल्ट है, कहते हैं 5-8 घंटे लगते हैं। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट वी आर सो डैम एक्साइटेड एंड आई होप द सेम फॉर यू गाइस। स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड, डू वॉच द एंटायर सीरीज क्योंकि बहुत मजा आ रहा है, हमें तो आ रहा है और ऑडियंस को भी आ ही रहा होगा आई होप, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि क्या रिस्पांस इंडिया में मिल रहा होगा। हम ये जो इंटरनेट वाली दुनिया है इससे थोड़ा दूर ही चल रहे हैं ना, बट आज हमारे डे 5 है दोस्तों, 5 दिन हो गए हैं बेसी शहर में हम लोग हैं, निकलते हैं यहाँ से मनांग के लिए और फट्टे चक देंगे, क्या लगता है? Yes, जिसका मुझे था इंतजार। आज हम जहाँ रुके हुए ना वो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, होटल तुलसी होम, मतलब एक एवरेज स्टे है, अच्छे वाले भी हैं इनके पास ऊपर रूम, बट हमने बजट में लिया था क्योंकि रात काटना था। अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, एसी वेसी खूब बढ़िया चल रहा है और ये कि सेफ पार्किंग है, मतलब वहाँ पे होटल है और यहाँ पे हमने बाइक्स ना शेड में पार्क करी थी। अच्छी बात पता क्या है, ये वाला क्लिप देखो जरा, कल मैं अपनी बाइक वॉश करवा के आया, समझ रहे हो। अभी ना एक बहुत ज़रूरी काम है, वो ये है कि मनांग के लिए हमारा परमिट लगेगा, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हमारे को परमिट चाहिए, यहाँ के बाइकर को परमिट नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अभी जा रहे हैं हम लोग जहाँ पे परमिट बनता है, ज़्यादा डिटेल मिलते ही आप लोगों को बताएंगे। वैसे भाई यहाँ भूसा का टोरा है, मतलब बता रहा हूँ मैं, बहुत लोगों ने बोला हमने आपको कल स्पॉट किया था, अभी हम लोग मार्केट गए थे, अरे एक्चुअली करेंसी कन्वर्ट करना था, ऊपर में ना इंडियन करेंसी नहीं चलेगा जिसको आईसी बोलते हैं, आईसी वो ये लोग बोलते हैं, नेपाली करेंसी को आपको पता है एनसी बोलेंगे। तो भाई 2-3 लोगों से पूछ लिया, ठीक है, सबने पता क्या बोला है कि अभी जो परमिट ऑफिस है ना पहले इधर था, अभी वो आगे हो गया है, आपको आगे जाके बनवाना पड़ेगा। हाँ जी नमस्ते, आप बताइए कैसे? अच्छा अच्छा आगे है, कितना आगे होगा? ऐसा बोर्ड वोर्ड लगा रहेगा? ठीक है वहीं बनवाएंगे, मेरे को भी सबने यही बोला कि आगे चले जाओ, 15 मिनट में मिल जाएगा परमिट। एक तो टाइम नोट कर लेते हैं, 11:50, और ट्रिप मीटर मैंने जीरो कर लिया है, इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि भाई कितने घंटे में कितना रास्ता कवर हो रहा है। भाई एकदम से ऐसा रास्ता आ गया है कि कहीं भी ना कोई साइनेज नहीं है, होर्डिंग नहीं है, सिर्फ अंदाजे से चलना पड़ रहा है और ऑलरेडी बहुत स्टीप हो गया भाई। ओह मैन, कैन यू बिलीव इट, मतलब इतना अच्छा रोड बना हुआ है यहाँ पे, इतना अच्छा रोड है मैं क्या बताऊँ, मतलब थोड़ा थोड़ा पैच खराब आ जाता है, एंड अभी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हो गए, 5 मिनट में हमने 5 किलोमीटर कर लिए। मुझे लग रहा था कि जैसे ही बेसी शहर ख़त्म होगा ना रोड ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, देखो रोड अभी चलता जा रहा है, मैं आपको बताऊँगा कि कितने किलोमीटर के बाद में रोड बिल्कुल गायब हो जाता है, बट अभी 5 किलोमीटर डन, रोड इज़ लाइक दिस एंड द व्यू इज लाइक दिस and hit like this and do subscribe this, बोले तो GS Films, बट यहाँ के लोग बहुत सरप्राइज हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं भूसा को देख के, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा ये है परमिट के लिए, ओके ये तो बढ़िया किया भाई, इन्होंने बुला लिया, नहीं तो हम तो आगे निकल जाते, मजाक मजाक में काफ़ी आगे चले जाते। सो दोस्तों ये है परमिट, मतलब 1000 रुपये इसके लगे हैं नेपाली में, और ये ऑफिस से अगर आप आए ध्यान रखना 5 किलोमीटर के बाद आता है बेसी शहर से, पहले ये ऑफिस बेसी शहर में था, अभी 5 किलोमीटर आगे आ चुका है, सो आपको यहाँ पे रुक के परमिट लेना है, ठीक है। और हमने 4 दिन का परमिट लिया है जिसमें हमने ट्रैकिंग इंक्लूड कराई है, जिसमें हम एक लेक है वहाँ जाएंगे जिसको बोलते हैं तेली चौका लेक, एंड बच्चों को अगेन मेरा ही बाइक पसंद आया था, समझ रहे हो, तो मजा आएगा दोस्तों, अभी यहाँ से एक्चुअल एडवेंचर हमारा शुरू हो रहा है। यूट्यूबर JS Film, नाइस टू मीट यू सर। कुंदन भाई कोलकाता से? नहीं आप नहीं करेगा, मैं करेगा, ठीक है। बच्चे खतरनाक होते रे, प्यारे तो होते, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होते, नहीं मैं ही करेगा।
ये सिर्फ मैं ही करेगा, आप नहीं करेगा। ओके भाई, सो भाई कुछ और यहाँ पे हमें बाइकर्स मिले हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से, उन्होंने ना जो हमें बताया ना उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, हम इतने बेकार रास्ते से कल आए ना। ओहो मैन क्या ही बताऊँ। और ये बोल रहे हैं सुबह चलें पोखरा से 9 बजे और अभी देखो 12:30 हो रहे हैं और वो यहाँ पर हैं 3 घंटे के अंदर में। और कह रहे हैं इतना सीनिक व्यू था, इतना अच्छा व्यू था और हमें पता नहीं क्यों कैसा रास्ता मिल गया यार। वेरी सैड, बट ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, मैं इसके बारे में और इंक्वायरी करूँगा और मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। ब्यूटीफुल, देखो भाई एक टनल भी आता है यहाँ पे, ठीक है। वाओ, टनल में आप सबका स्वागत है। किसने सोची थी नेपाल, नेपाल में मनांग, मनांग के पास सुरंग। अच्छा ब्रेकर बने हुए बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। दिल तो बच्चा है जी। वाओ कितनी बढ़िया है यार ये, आई कांट बिलीव इट मैन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आउच आउच, सही किया हुआ है इन्होंने, अगर ब्रेकर नहीं होते ना तो ये पूरा टनल ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा कर्व्ड है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ब्रेकर ना होते तो। आ, आ, ओहो वन मोर जो दिखा नहीं हमें लॉन्डो खड़क लॉन्डे बोल रहे जेएस फिल्म्स। अच्छी बात ये है बस नेपाल में काफ़ी लोग पहचानते हैं भाई, हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। हो ओ भाई सच में जितना सुना था ना मुझे लग रहा है उतना ही होगा ये मुश्किल, क्योंकि अभी शुरू है। 14 किलोमीटर्स डन सो फार और नज़ारे आ गए हमें मुझे मज़ा तो आ रहा है, सैम को भी सोच के मज़ा आ रहा होगा कि भाई पहला ही रोड ट्रिप, पहली बार बाइकर बना हूँ मैं, फुल गियर पहने, पहली बार वो गई मेरी बाइक, बच गई मेरा, एक्चुअली पैर गलत जगह आ गया था बातें करते करते। ओ नो भाई नो गाइस, ऐसा है लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं, पता है बड़ी देर से यहाँ खड़े हैं, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, फिर वो ट्रैकिंग वाले लोग आए, उनसे हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं भाई वो है रास्ता मनांग का वो। एक्चुअली जेन्युइनली मेरे को अभी वही लग रहा है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं देखो, और जाम खड़े ना यहाँ पे, सिर्फ एक बार गाड़ी आई थी एंड पूरा रूट मेरे को सिर्फ ट्रैकर्स का लग रहा है, और आगे भी ट्रैकिंग ट्रैक बना हुआ था मनांग के लिए, सो लग रहा गलत ही घुसा दी हमने, इसीलिए इतना स्टीप हो गया एकदम से यार, हवा निकल गई अब तो, डर लग रहा है नीचे जाने में और पूरा ये लग रहा है कि जितनी एनर्जी लगा के यहाँ तक चढ़े थे ना सब वेस्ट हो गई यार, टोटली वेस्ट हो गई भाई, हमें वहाँ जाना था। अभी जो नीचे कोलकाता वाले बाइकर मिले थे ना वो भी वहाँ से गए भाई, हमें अब और बुरा लग रहा है कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हमें लग रहा था हम लीड कर रहे हैं, बट बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है, रोने का जी कर रहा है, बट चलो ये इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो देख रहे हैं उनके तो काम आएगी, क्योंकि भाई देखो हमने गांव में पूछा था, उन्होंने बोला सीधा सीधा, पता नहीं उनको कैसे लगा कि ये चली जाएगी, है एक्चुअली ये भी रास्ता भाई ट्रैकिंग वालों के लिए, नॉट फॉर द व्हीकल्स। और बीच में गाड़ी दिखी थी जिससे हमें लगा यही रूट है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं आया, मेरे को लग रहा वो जो गाड़ी थी वो भी ऐसी थी ट्रैकर्स को लेके जा रही थी। भाई प्रभु का शुक्र है बच गए, ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम दोस्तों। देखो यहाँ लिखा है ट्रैकिंग ट्रेल मनांग, ऑफ रोड मनांग, तो यार यहाँ उतर जाना, बच गए हम सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही आगे थे, अभी जान में जान आई है। थैंक यू ब्रदर, ये पहले पहुँच गया, इसने हमें ना एक खुशी का सिग्नल दे दिया। तो ये जो ब्रिज है ना इसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि भाई ये हमें सही रास्ते पर कनेक्ट करा रहा है ना, अब हम अपने राइट ट्रैक पर हैं मनांग के लिए, अच्छा फील हो रहा है। अभी तो नहीं, खैर वापसी में टाइम मिला तो यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत आइसोलेटेड जगह है, मस्त है, अच्छे शॉट्स आएंगे। एंड दिस इज द रूट,
सो भाई लोग, पहला वाटरफॉल हमारे रास्ते में जिसको बोलते हैं तगहीरिंग, तगहीरिंग मतलब वहां तक काफी बड़ा है, अच्छे से दिख रहा था वो वाले स्पॉट से, बट अभी हम थोड़ा आगे आ गए हैं। इसको हम ऑन द वे बैक करेंगे। अभी हम सिर्फ जो रास्ते हैं ना उनको स्पॉट करते जा रहे हैं कि कौन सा अच्छा जगह है, कहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाहिए, कहाँ पे रुक के कंटेंट भी बनाना चाहिए, फोटो भी खिंचाना चाहिए। बट अभी के लिए डॉक्यूमेंट कर लिया इस चीज़ को। आपको बस इतना कहूँगा, देखो स्टीप तो है, अभी पीछे एक ढलान थी, काफ़ी ढलान थी, फिर एकदम से चढ़ाई आती है, एकदम चढ़ाई आती है स्टीप, बट सो फार सो गुड। अभी हमने क्लॉक कर लिए हैं ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स। जो ब्रिज था ना, ब्रिज पानी के ऊपर, एक रास्ता ऊपर जा रहा था ट्रैकिंग को, हम वहाँ चले गए। नीचे से ऑफरोड से आना था, हमने ऊपर से आप लोगों को देखा जाते हुए, फिर हम घूम के आया नीचे। दोस्तों 26 किलोमीटर सो फार, टाइम हो रहा है 2:06। ये जगह ना मतलब मेरी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। देखो बहुत रास्ता एक्सट्रीम है, बट ना बहुत सारी ना रिहाइश है, मतलब आपको बीच में ना होम स्टे मिल रहे हैं, होटल भी मिल रहा है, इनफैक्ट एक होटल बना हुआ था ब्लू स्काई, जस्ट इमेजिन। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, आपको लोग नहीं दिखेंगे, आपको लोग दिखेंगे जो रह रहे हैं आसपास में। एंड एक बहुत खूबसूरत नदी दिखेगी राइट में, और ये देखो ब्रिजेस बहुत है भाई यहाँ पे, ये वॉकिंग ब्रिज है इधर से उधर, बहुत बढ़िया, लवली। और वेदर देखो अभी कितना अमेजिंग हो रहा है। अभी पीछे जो ये 3 बाइकर्स मिले थे ना कोलकाता वाले, इन्होंने बताया एक अंग्रेज वापस जा रहा है, बिकॉज उसकी बाइक गिर गई और उसका फुटपैक टूट गया। एंड यू नो व्हाट, इसीलिए पैसे ज़रूरत ना पड़े, मैं ये बोल दूँ पहले ही, मैंने ना इस बाइक के दोनों लीवर लेफ्ट एंड राइट और दोनों फुटपैक साथ में रखे हुए हैं, क्योंकि डर रहता ही है, भारी बाइक है एज़ कम्पेयर टू छोटा बाइक, बट छोटा बाइक भी गिरता है, 100% गिरता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द राइडर, यू नो। दिखा भाई सबको, दिखाना ये जनित में जारी कर। देखो भाई दोस्तों, बन लेना है ठीक है, और मैगी बनवानी है आपने किसी भी ढाबे से, है ना भाई? हाँ। और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली लंच टाइम हो गया था, 2:30 बज रहे हैं, तो बाइक्स हमने पार्क कर दी थी, इस जगह को बोलते हैं जगत। और ये देखो, ये मैगी लिया, ये डाला बन के अंदर में, लिक्विड निकाल देना है अच्छे से, ठीक है सर? कितने चम्मच डालनी है? 1.5 चम्मच आप इसके अंदर डालिए, भाई निकलने लगे थे एकदम, याद आया एक जरूरी काम रह गया था भाई, छाल छोड़नी थी जीएस फिल्म की, ये छोड़ दी। I can cool man, woo, let's do it। So भाई ये भाई साहब भी बोले ये कैसे हो गया, ये तो यहाँ नहीं आ सकती थी। मैंने बोला मैं हूँ, आप मेरे को जानते नहीं हो, वैसे इतना बोल नहीं पाया मैं, बट चलियो चलियो भैया चलियो। ओके बाबा, देख रहे हो गाइस, सबके अपने अपने शौक है, किसी को ट्रैकिंग में मजा आ रहा है, किसी को राइडिंग में, किसी को एक ऐसा बाइक यहाँ पे लेके आने में जो लोग सोच भी नहीं सकते। मुश्किल होता जा रहा है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और थोड़ा खा लिया ना, बॉडी ठंडी हो गई, अब दोबारा से वही वाला फॉर्म पकड़ने में वक्त लगेगा। ओ गॉड, दबा के खाया भाई हमने, चाय भी पी लिया ना ऊपर से। अभी ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर में बारिश हो सकती है, एंड रास्ता वर्स होता जा रहा है दोस्तों, झूठ नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिसने एक्सपीरियंस किया है वो मेरी बात से एग्री करेगा, है ना? इतना इजी होता तो मैं आता थोड़ा ना यहाँ पे, मतलब आता बट ऐसे नहीं आता। भाई ये लोग देख रहे हो,
कि आपका सामान ऊपर पहुंचाते हैं, मतलब स्पेशली फॉरेनर्स इनको हायर करते हैं, बहुत सारा लगेज ऊपर लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एंड दिस इज़ देयर ब्रेड एंड बटर मैन। रिस्पेक्ट है भाई इन लोगों के लिए, रिस्पेक्ट, क्योंकि जो हम लोगों से नहीं हो पाता ना वो ये कर लेते हैं बहुत आसानी से और हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं भाई। I can't believe my eyes. This is so damn beautiful, man. ये आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर में बाइक रोक के, मतलब मैं कहता हूँ थोड़ा सा और आगे रुकेगी तब जाके समझ में आएगा। हाँ, यस, नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल। इसको बोलते हैं ऑक्टोपस वाटरफॉल, ऑक्टोपस वाटरफॉल। मैं चिपट जाएगा ऐसा जगह घुस जाएगा जहाँ तू सोच नहीं पाएगा और छुड़वा नहीं पाएगा। सीरियसली मैन, दिस इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। मैंने अभी तक सिर्फ फोटो वीडियो में देखा था, आज रियल में एक्सपीरियंस किया ना, बहुत अच्छा लगा यार। और ये जो पानी पड़ रहा है ना ऐसे बूंद बूंद मुंह पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। बट अगेन आई एम रियली सैड दैट आज हमारे पास टाइम नहीं है, ड्रोन भी नहीं उड़ा रहे हम यहाँ पे। सोच के देखो, सोच के, वापसी में भी यही रूट है भाई, ट्राई करेंगे उस दिन। आज सिर्फ हम स्पॉट देख रहे हैं एंड हॉट स्पॉट बना रहे हैं हम, हॉट स्पॉट की कौन से ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें कंटेंट बनाना चाहिए। क्योंकि देखो यार, एक पीस ऑफ एडवाइस है, ऑब्वियसली आप लोग भी मेरे जैसे ही हो गए कंटेंट क्रिएटर्स। मैं सुबह में एक वीडियो एडिट करके अपलोड करके आया हूँ, इसलिए लेट हो गया है ना। तो ये तो है, आपकी नींद पूरी होती नहीं है, आलस आजकल आने लग गया है, दूसरा काम रहता है एडिट वेडिट का, तो करते कराते रोज़ लेट हो रहा हूँ। बट ट्राई करो, अगर आप जल्दी निकलते हो सो देन यू कैन एन्जॉय द रूट, यू कैन स्टॉप, हैव सम गुड पिक्चर्स, फोटोज, मेक सम कॉन्टेंट। भाई ऐसे नहीं लग रहा रास्ता स्वर्ग की तरफ जा रहा है, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और हम काफ़ी हाइट पे हैं क्योंकि नदी बहुत नीचे है भाई, टू लो, बट दिस लुक्स वेरी गुड। दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस माउंटेन, टाइनी माउंटेन, यू नो, बीच में से रास्ता जा रहा है, अच्छा दिख रहा है भाई। ड्रीम्स डू कम ट्रू, मेरा कब से सपना था मनांग आने का, आज फाइनली वो भी पूरा हो गया भाई। दिल से ना सुकून है आज, दिल से खुशी है, मैंने कर लिया। अभी मेरा नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ दोस्तों, मेरे को तवांग भी करना है ना, अरुणाचल प्रदेश में, एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरी हिट लिस्ट में हैं, करेंगे, चेकलिस्ट, वो भी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। काफ़ी सांस अड़ गया था यार, समझा करो, काफ़ी स्टीप था यार, मजाक से अटके। ओह मेरी गरम गरम सांसों की आवाज़ आ रही है। ओ भाई ये भी स्टीप है, चढ़ गई, वाओ, सो ब्यूटीफुल। डेफिनेटली दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, इसीलिए पूरा देखना, ठीक है। इतना मज़ेदार है ये जगह, ओ मैन, अलग ही लेवल पे खूबसूरत है। देखो कितना स्टीप है, बस सीधा ऊपर, अरे 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 अरे, चढ़ जा, कमोन, ओ भाई, उधर गिरे तो खाई है, पानी अच्छा है, नहाए नहीं थे सुबह, नहा लेंगे, हम जो जोकिंग, मैं नहाया था भाई, दूसरी बात के लिए भी जोकिंग। ओ ब्यूटीफुल मैन, बस पीछे लिखा था ड्रोन नॉट अलाउड, इसीलिए भाई ड्रोन नहीं उड़ा रहे हम इस एरिया में, ठीक है। पीछे वाला जो वाटरफॉल था वहाँ तक उड़ा सकते थे, तो वापसी में ट्राई करेंगे, बट नॉट इन दिस एरिया, यू नो। अबे अज्जो बच्चो, अज्जो छोटे बच्चो, अज्जो बेबीज, दैट वॉज स्केरी बट फन ब्रो,
देख रहे हो स्पिरिट ऑफ पीपल डूइंग साइकिलिंग. फॉरनर है, फॉरनर भाई हमारा. अब निकलो, अब निकलो साइड से. हम निकलेंगे बीच में से जे. चलो देखो भाई, बिल्कुल ऐसे नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर चढ़ रहा है. कितना स्टीप है आप इमेजिन नहीं कर सकते. बट चलो मैं जा रहा हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए. भाई सबसे आगे तुम्हारा, डरता नहीं है तुम्हारा भाई. के करे भैया, के करे. देखो जगह मुश्किल है नो डाउट, बट ना मेरी विल पावर स्ट्रांग है और एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मुझे अभी तक तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा है. ये ऐसा क्यों, यहाँ पे एक मोमेंटम चाहिए. मोमेंटम जहाँ गया वहाँ पे बाइक गई. आपकी मोमेंटम के साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. मोमेंटम नहीं तोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. चलते रहो, चलते रहो. चले गए, देखा पार कर दिया मैंने तो. इजी बॉय. अब एकदम वाइड शॉट लूँगा, मतलब वाइड कट लूँगा. बिल्कुल एच पे राइट आया, घूम गया, ऊपर चढ़ा, अगले एच की तरफ गया. अब फिर से टर्न ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने पैर भी नीचे नहीं रखे हुए, जस्ट इमेजिन चढ़ता ही जा रहा हूँ. वाव नाइस. अभी और स्टीप हो गया और पथरीला हो गया. हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. बूसा पावर, यू नो, बूसा पावर, बूसा बूसा. थोड़ी सी अटक गई थी, मेरी मेरी गलती है. देखा जहाँ एक्सेलरेटर छूटा बाइक पीछे जा रही थी, तो इतना ग्रेविटी पुल है. कर दिखाया भाई, कुछ भी नहीं था ये तो. भाई इतना स्टीप है ना ये, और एकदम से गाड़ी आ गई आगे से. बहुत स्टीप है भाई ये. ओ गॉड, ओ गई 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 गई. जा रही है, बचा ली, जा रही थी, बचा ली. ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया भैया जी. बहुत ही स्टीप है भाई, मिट्टी और पत्थर है. ओ गॉड, ओ गॉड, बट भाई फुल एडवेंचर है यहाँ पे तो. बेस्ट है, बेस्ट. और व्यू भी बहुत अच्छा था भाई. देखो आपके भाई ने निकाल ली भाई. सो फार सो गुड. ये अरे कुछ भी नहीं है. सैम बोल रहा है आगे देखो कितना ऊपर जाना है. मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है भाई. देखो वो रहा, बस ऐसे करके ऊपर जाना है. कैसे करके? ऐसे खींचते हुए, चले खींचते हुए. ये थोड़ा सा हमने मोमेंटम बनाया, ये बॉडी बैलेंसिंग करी, बिना पैर लगाए खींच दिया. देखो बहुत आराम से, नो प्रॉब्लम ब्रो. बच्चों का खेल, पीस ऑफ केक, यू नो, जस्ट द पीस ऑफ पाइनएप्पल केक जो इजीली मिल जाता है. तो दोस्तों ये जगह को बोलते हैं धारा पानी. यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है, ठीक है. आपको दो स्लिप मिलती है, वो एक रख लेते हैं, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो. अन्नपूर्णा रेंज, यू नो, लेट्स गो. अभी वैसे हो चुका है मेरे हिसाब से 46 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 4:26. लेट्स गो बॉयज. सैम गिर गया भाई.
ओ गॉड, चल गाड़ी आ रही है भाई, तेरे को लगी तो नहीं? लगी लगी है? शिट, वो भी टूट गया हैंड गार्ड। तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा डार्लिंग, दोनों उठाएंगे ठीक है। तीनों तीनों हो जाओ, चलो एक सेकंड है, पावर के साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हाँ रुक जा, मैं बैठ रहा हूँ, रुक जा। फुट पैक वगैरह तो नहीं टूटा ना? चलो रुक जाओ, आगे आ जा आराम से, गाड़ी को निकलने देते पहले। सो दोस्तों, दिस वॉज द फर्स्ट क्रैश फॉर द डे इन हिमालयन गिरी। पीला पीला फॉल हो गया रे भैया, पीला पीला फॉल, फर्स्ट इंटरनेशनल फॉल। सब ठीक है, उंगली उंगली ठीक है ना भाई? बस थोड़ा यहाँ फट गया और कुछ नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसने बचा लिया, बट ये गया, कवर गया, बट देखो ये देखो, ये बच गया, हाथ भी बच गया, लीवर भी बच गया, थोड़ा सा स्क्रैच आया, दैट्स इट। ये यहाँ पे स्क्रैच है, ये बाइक ठीक है, बिल्कुल। हुआ क्या था? पत्थर नीचे आ गए, पैर नहीं पहुंचा? नहीं, मोमेंटम था। हाँ, आपका अंदर से ब्रेक लगा। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने ब्रेक लगा लिया और वो एकदम से क्या हुआ, पीछे होते होते थे डर नीचे। ये ब्लॉग में चल रहा है, मैं इसको कट नहीं कर रहा हूं, दोबारा लगा, ये दोबारा कंटेंट के लिए क्या कर, दोबारा लगा, वो लगा चुका है उसको, अब आराम से लगा साले। बहुत हरामी यार ये, मैं भी गिरने वाला था, कैमरा ऑन कर लिया था, ये नहीं मैं उठाने आऊं, भूसा है भाई, कंटेंट क्या करेगा जब तुम यहाँ 4 दिन फंस जाओगे, अगर लीवर टूट जाएगा तो पहले भग के आओ, अगर बचा सकते हो मेरी गिरने से, ये बचा सकता था, ये रुका देख, मैंने प्यार से देखा है, ग्लव्स हटाया, नहीं नहीं एक जगह टेढ़ी हो गई थी, गिरने वाली थी, मैंने खुद से संभाली है, ये पीछे था, मैं देख रहा हूँ क्या शीशे में, धीरे से ग्लव्स उतरा है, अंदर से लाल रंग का फोन निकला है, वीडियो में रही जा रही है, अबे भाग क्या, क्या शॉट ले रहा था वो, तो आपका व्हील करता है ना रोल, मैं भाई के पीछे जो रफ्तार का व्हील करता था वो शॉट चाहिए था मुझे, मेरे को पता क्या शॉट चाहिए था, लालची लोग है ये, वायरल जाने वाली रीले बना रहे हैं, दूसरे की जान चली जाए सारी, मेरे मेरा ये भैया क्या करे, हवा ऐसी चल रही है दुनिया में, समझ नहीं आ रही, और भाई साहब मैं ना बाइक छोड़ के भी नहीं उतर सकता था यहाँ से, गिर गया भाई, उठ गया, मैं रोक नहीं पाता, मेरी बाइक नहीं, समझ गया मैं सही जगह था ना, अबे भाई नहीं सुधरेगा ये, बिल्कुल नहीं सुधरेगा भाई, ये उससे इतने मजे ले रहा था, कह रहा दिन बन गया भाई, ऐसा भी बोल के गया मेरे को, कह रहा दिन बन गया, अबे ऐसे दोस्त तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, देखो कैसे नाच रहा है दोस्त के गिरने पे, शेम ऑन यू ब्रो, शेम ऑन यू, भाई अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं रुक के अभी एक बढ़िया सा हमने यहाँ पे रील निकाला, मतलब कंटेंट निकाला, रील तो बाद में बनेगी, एंड पिक्चर्स भी डालिए हैं, तो ये गेटवे है टू दाना क्यू मनांग। ओ लवली ब्रो, बहुत ही यार खूबसूरत जगह यार, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, दिस इज ऑन द नेक्स्ट लेवल, ट्रस्ट मी, ऑन द नेक्स्ट लेवल, जस्ट स्टॉप हेयर गाइज, लेट मी टेक अ पिक्चर, भाई इतना फोटोजेनिक है ना, इतना ब्यूटीफुल ये जगह है, बहुत खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया, सच्ची बता रहा हूँ, फॉरनर्स है बोले, गाली देके बोले क्रेजी MCPC, क्रेजी MF, समझ रहे हो, मेरे को बाइक थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, बहुत जोर से लगी है, रोक दे अभी, रुक जा, छोड़ दे उसको, पहले मेरे को निकलने दे, आगे लगाने दे, फिर आगे उठाता हूँ, भाई सेकंड क्रैश ऑफ द डे, और सीधा इसने आगे ना मेरी टांग में मारी है, और मेरी बाइक यहाँ नहीं खड़ी होगी, मेरे को आगे खड़ी करके आनी पड़ेगी, रुक जा सैम, अबे लंगड़ा बना दिया भाई तूने, लंगड़ा बना दिया,
ये देख वो मुझे है। जोर मत लगा, नहीं हो रही। मैंने भैया बहुत पीछे था ना आपसे। यार पता क्या है, पत्थर आता है ना मेरी बैली पे टक लगता है, मेरे को ब्रेक पैनिक लेनी ही पड़ेगी, मेरे से डिस्टेंस रख ले। नहीं डिस्टेंस में जा, मेरी आपने आवाज सुनी थी ना ब्रेक की? हाँ लगती आई है, दलान थी। और चलो गिरी नहीं है, गिरी नहीं क्या, मेरा ये फट जाता अभी, इतनी जोर से लगा है वो, लेग गार्ड लगा है मेरे ख्याल। मैं समझ गया, बट लगी है एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे लगी है मेरे पैर पे, बहुत जोर से लगी है एकदम से। इसने बाइक गिराई, बाइक का लेग गार्ड मेरे यहाँ इतनी जोर से बजा है और ये खुद लेट गया। एक तरफ को तूने मिस कर दिया, तू आगे निकल गया। अब तेरे को अब खुशी तो मिल रही होगी, मैंने रिकॉर्ड किया, लास्ट में हुआ है, पहले कैमरा बंद था, जब ये गिर गया तो मैंने कैमरा ऑन किया, अब इसको खुशी मिल रही है, दिल के कले देखो ठंडक मिल रही है। हाय भाई कैसे हैं आप? हाँ यहाँ तक आ गए। और अभी यहाँ से कितना दूर है वो अपना खांगसर? डेढ़ घंटे में खांगसर पहुँच जाएगा पक्का। लेट्स गो। कोई वाटरफॉल नहीं है बीच में, पानी वानी नहीं आएगा? नहीं रोड पे पानी नहीं है, पूरा ब्रिज है। चलिए यस, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका बोलेरो चलता है यहाँ, अप डाउन डेली करते हैं आप? चलिए बढ़िया जी, मिलते हैं। इनको कल मैंने स्टिकर दिया था, सो ये बता रहे हैं खांगसर है डेढ़ घंटा दूर। मैं तो कहूँगा भाई खींच लेते हैं भाई खांगसर तक, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है मनांग का, एंड उसके बाद आई गेस इट्स हिस्ट्री ऑलरेडी, मतलब हमने कर दिया है दोस्तों। अभी 6:20 हो रहे हैं, नहीं 6:20 हो रहे हैं एक्चुअली, 6:19 हो रहे हैं, एंड सिर्फ 60 किलोमीटर चली है आज हमारी, 62। तो आप समझ सकते हो कि 10 का एवरेज आ रहा भाई, ज़्यादा नहीं। इम्पॉसिबल? अच्छा मेरे को अच्छा लगता है इम्पॉसिबल वर्ड सुन के पॉसिबल करना, तो अगर मेरे दोस्त साथ देंगे तो मैं कर दूंगा, बट इसके थोड़ा सा चोट में पैर में दर्द है, हैं भाई दर्द में भाई लगी मेरे भी है, मैं तो झेल जाऊंगा क्योंकि मेरे को खुशी इतनी है। मुझे एक GSA वाले ने बोला था, सोच के देखना, BMW चलाने वाले ने बोला था बहुत डिफिकल्ट है, भूसा नहीं जाएगा। अबे भाई कर दिया भाई, ये मनांग ही है ना, हम इसको मनांग बोलते हैं ना। खांगसर लास्ट पॉइंट है, 2-3 घंटा और लगता है खांगसर, विच इज द लास्ट पॉइंट फॉर मनांग, जहां तक बाइक जाएगा उसके बाद ट्रैकिंग होगा। तो चलो ऐसा करें सेटल हो जाते हैं, आई डोंट माइंड, रीजन बीइंग तू भाई हेल्थ अपनी चेकअप कर, ठीक रहे, खाना खा, रेस्ट कर, फ्रेश शूट, सुबह अर्ली अर्ली निकल जाएंगे। हाँ अच्छा भाई लोग, पहले तो ना एक बार चीयर्स बनता है भाई। We did it in one go guys, we are already in Manang, जहां आज सेटल होने वाले हैं, उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो मेरे को भी इसने ना चोट पहुंचाई है, मजा तो खूब आया था ट्रिप पे, बट ये लास्ट में ना मीठी मीठी मेरे चोट है, मेरे को लगता है मूव लगानी पड़ेगी, बट भाई को थोड़ी ज्यादा लगी है, मनांग से बहुत सारी यादें लेके जा रहा है, इसको दर्द हो रही है, एक तो हाथ पे भी लगी, इसके पैर में भी लगी है, एंड अभी एक्चुअल में ना ठंडी हो रही है, ठंडी भी बढ़ गई, अंधेरा भी हो रहा है। मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, सो कुछ ऐसा सीन है, एकदम ब्लू आवर चल रहा है, और इस जगह को बोलते हैं चामे 3 कोटो मनांग। एग्जैक्टली वी आर बीचो बीच ऑफ मनांग, मतलब वी आर इन द सेंटर ऑफ मनांग एग्जैक्टली। यहाँ से अगर हम 3 घंटे और ड्राइव करें, मतलब राइड करेंगे, सो एक लास्ट पॉइंट आएगा खांगसर। खांगसर बोले तो इंडिया में भी है, लाहौल में खांगसर है, वैसे ही यहाँ एक जगह है खांगसर, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, उसके आगे गाड़ी और बाइक नहीं जाती, वहाँ से लोग ट्रैकिंग चालू करते हैं, एक लेक है जिसको देखने के लिए जाते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं, बट ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, वी आर बाइकर्स, वी आर नॉट ट्रैकर्स। फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, बहुत शांति है, मतलब यहीं पे जो फैमिली है वो भी रहती है पास में, एक छोटा सा किचन है, तो काइंड ऑफ अ होम स्टे वाला वाइब आएगा, बट हाँ एक्चुअल में एक इंडिविजुअल रूम दिया है इन्होंने, वॉशरूम कॉमन है सबका, रूम्स अलग अलग हैं, 3-4-5 रूम बने हुए हैं। सो अच्छा गया दिन, बढ़िया रहा, यादगार, और जेन्युइनली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, स्प्रेड द वर्ड, वी डिड इट, एंड बस इतना ही कहूँगा। उम्मीदें बहुत कम थी, भूसा ने साथ दिया, अपनी विल पावर थी, आप लोगों का सपोर्ट था, वाहेगुरु जी की ब्लेसिंग थी, जिसकी वजह से आज हम ये कर पाए हैं। अब अगर कुछ लोगों को लग रहा है ना
कि हमने आज ज़्यादा फेंक दिए दोस्तों, एक बार आके दिखा, और स्पेशली बूसा पे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ देम, स्पेशली मेरे को GSA राइडर्स ने ऐसा फीडबैक दिया था, नहीं हो पाएगा। सोचो जो बाइक बनी एडवेंचर के लिए, उनको भी अगर दिक्कत आ रही थी तो इट इज़ टफ़ ऑन अ ट्रू सेंस। देखो मैंने मुक्तिनाथ किया हुआ है, मैंने स्पीति किया है, लद्दाख किया है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, मुझे ये टेरेन जेन्युइनली डिफ़िकल्ट लगा, और ये ना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप आओगे यहाँ पर रेनी सीजन में। तो भाई मेक श्योर आप सही टाइम चूज़ करना इधर आने का। फ़िलहाल अपना बस ये सीन है, सेटल डाउन होते हैं, यहाँ पर खाना खाएँगे, आज रेस्ट कर लेंगे, कल जाएंगे लास्ट पॉइंट तक, फिर डिसाइड करेंगे कि ट्रैकिंग करने के लिए रुकना है या कल ही वापस को उतरना है, कुछ फोटो वीडियो खिंचवा के सनसेट कंटेंट। एनीवेज करेंगे दोस्तों वीडियो यहीं पे क्लोज। अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन विद टीम जेसन, बाय बाय। थैंक्स फॉर द कॉन्टेंट ब्रो। एंड आज का वीडियो लंबा हो गया होगा, सॉरी, बट इन्फॉर्मेटिव होगा। बाय नेवाल रॉक्सी, चीयर्स। तो भाई सक्सेसफुल मनांग होने की खुशी में यहाँ पार्टी चल रहा है, जो पानी जैसा चीज है, ये लोकल है, इसको पी के सब मस्त हो जाता है भाई, इधर पार्टी चल रहा है। बट गुड हॉस्पिटैलिटी गाइस, यहाँ पे मजा आ रहा है, गप्पे लगाई जा रही है, एंड सबको हमने सब्सक्राइब भी करवा दिया, कर दिया ना सबने, फॉलो कर दिया, सो सबको फॉलो कर दिया। अभी कल हम लोग रील बनाएंगे, टिकटॉक भी बनाएंगे, ठीक है। और टिकटॉक ना वैसे यहाँ भी बैन है, बट सब वो VPN लगा के यूज करता ना, सब चालू है भाई, सब चालू है, ये जुगाड़ यहाँ भी होता है, ये मुझे सब पता है।